नमस्कार, विद्युनी समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बजट में आधारभूत ढांचा, ग्रामीण विकास और कृषि पर जोर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए विकास का 9 सूत्रीय एजेंडा रखा, जिसमें कृषि, ग्रामीण, सामाजिक, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन से उत्पादक अर्थव्यवस्था, ढांचागत क्षेत्र में निवेश, वित्तीय सुधार, प्रशासनिक सुधार, सरल कारोबारी माहौल, वित्तीय अनुशासन और कर सुधार पर जोर देते हुए वित्तीय प्रावधान किए हैं। हालांकि बजट में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं कर जेटली ने नौकरी पेशा वर्ग को निराश किया है, लेकिन आवास भत्ते पर मिलने वाली छूट सीमा को 24,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए वार्षिक कर दिया गया है। सरकार ने सर्विस टैक्स 14.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिससे सभी तरह की सेवाएं महंगी हो जाएंगी, जिसका हर वर्ग पर असर पड़ेगा। जेटली ने देश के विकास पर कुल मिलाकर 19.78 लाख रुपए व्यय करने का ऐलान करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए 2,21,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को मंजूरी देते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सहित सड़क क्षेत्र में 97,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बजट में ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए अनुदान के रूप में 2.87 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 5 वर्षों में किसान की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ कृषि एवं किसान कल्याण के लिए वर्ष 2016-17 में 35,984 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगले वित्त वर्ष में 9 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन के तहत 300 ग्रामीण शहरी बस्तियों के विकास और मई 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि परंपरागत रूप से सत्ता पक्ष ने बजट का स्वागत किया है, जबकि विपक्ष ने इसकी आलोचना की है। स्मृति ईरानी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस। लोकसभा में बजट से पहले कांग्रेस के सी वेणुगोपाल ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय के मुद्दे पर गलत बयानी का आरोप लगाते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया। गोपाल ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अपनी सीट से उठकर श्रीमती ईरानी का मुद्दा उठाया। वेणु ने लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन को भेजे नोटिस में कहा कि ईरानी ने हैदराबाद तथा जेएनयू की हाल की घटनाओं के संबंध में 24 फरवरी को लोकसभा में बयान, इन संस्थानों में सरकारी हस्तक्षेप के बारे में तथ्यों को छिपाकर सदन को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि श्रीमती ईरानी ने अपने भाषण में तीस्ता सीतलवाड़ की पुस्तक का जिक्र किया, जो 2001 में हटा दी गई थी। उन्होंने इस तरह रोहित विमुला तथा महिषासुर दिवस के बारे में भी गलत बयानी की है। पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर ओसामा से पैसा लेने का आरोप। पाकिस्तान में प्रकाशित एक नई पुस्तक में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर ओसामा बिन लादेन से पैसा लेने का आरोप लगाया गया है। डॉन में प्रकाशित खबर के अनुसार आईएसआई के एक पूर्व अधिकारी की पत्नी शमाया खालिद ने अपनी पुस्तक ख्वाजा में लिखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रमुख नवाज को बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए ओसामा बिन लादेन ने धन दिया था। उन्हें धन जिया उल हक के शासन के बाद दिया गया था। पुस्तक में दावा किया गया कि शरीफ ने ओसामा बिन लादेन से पाकिस्तान में इस्लामी कानून लागू करने और उनकी सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वह अपने वादे से पीछे हट गए। मिस्र की संसद में सांसद पर जूता फेंका। मिस्र की संसद में रविवार को एक सांसद ने दूसरे सांसद पर इस कारण जूता फेंक दिया कि उसने अपने निवास पर इजराइल के राजदूत को भोजन पर बुलाया था। घटना के बाद दोनों सांसदों को सदन से बाहर कर दिया गया। सांसद और टीवी एंकर तौफीक ओकाशा ने अपने निवास पर पिछले सप्ताह इसराइल के राजदूत हेम कैरन को भोजन पर आमंत्रित किया था। उनके भोज से मीडिया में विवाद शुरू हो गया और कई सांसदों ने संसद से निकालने की मांग शुरू कर दी। तौफीक के एक सहयोगी सांसद कमाल अहमद ने उनके ऊपर जूता फेंक दिया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।